हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। ये ब्यूटीफुल लीफ वाला प्लांट जो वाइन फॉर्म में ग्रो कर रहा है, ये पान का या बीटल लीफ का पेड़ है और ये बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। हर पूजा में इस्तेमाल होता है, साथ में ये खाने के भी पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्पेशली हम लोग के इंडिया में बहुत यूज़ होता है और इसके अलावा इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो आज हम लोग इसकी पूरी केयर देखेंगे। समर्स में इसका ग्रोइंग टाइम होता है, इसको मॉइस्चर और वार्म्थ दोनों पसंद है। तो अभी आगे जुलाई में, जून में जब एक आध बारिश होंगी तो इसकी लीव्स और हेल्दी हो जाएंगी और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। विंटर्स में थोड़ा सा ये आपके अगर इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, स्पेशली अगर गमले में ग्रो किया हुआ है जैसे मैंने ग्रो किया है, तो स्पेशल केयर की ज़रूरत है ताकि ये कोल्ड ड्राफ्ट ऑफ विंड से बचा रहे और जब फ्रॉस्ट पड़े तब ये किसी पेड़ के नीचे या प्रोटेक्टेड एरिया में रहे। अब जो मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ ये विंटर्स की हैं। विंटर्स में इसको संभालना पड़ता है, मगर देखिए इसमें अभी लाइफ दिख रही है, प्लांट ख़राब नहीं हुआ है, मगर सारी पत्तियाँ विल्ट हो गई हैं, सारे पान के पत्ते गिर चुके हैं। तो अभी इसकी केयर शुरू करते हैं। गमले में या पॉट में कैसे करेंगे, कंटेनर में? ये बहुत इजीली आप कंटेनर्स में घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। और मॉस्टिक अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगा और ग्रो भी बहुत अच्छे से करेगा, लीव्स भी बहुत हेल्दी हो जाएंगी। तो इसके लिए कटिंग से ये ग्रो करने वाला वाइन फॉर्म का प्लांट है। हर नोड में इसमें जैसे ये रूट्स आती हैं, अगर इतना भी पोर्शन लगा देते हैं तो यहीं से रूटिंग हो जाएगी। और भी दिखाती हूँ आपको, ये जैसे प्लांट है आउटग्रो कर रहा है, इसको ये देखिए इसमें कितनी अच्छी रूट्स हैं, इसमें बहुत अच्छी रूट्स दिख रही हैं। तो यहीं पर ये काट देंगे यहाँ से, तो यहाँ से ग्रोथ हो जाएगी। जैसे मैंने एक ये प्लांट लगाया है अभी कटिंग से, इसी पेड़ की कटिंग काट के लगाई है और ये ग्रो कर गया है। तो ऐसे ही कटिंग से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसका प्रोपोगेशन इतना सिंपल है। ये प्लांट के लिए आप जब लेके आएँ कटिंग या नर्सरी से लेके आएँ, तो इसके लिए थोड़ा सा बड़ा गमला अर्दन पॉट लें और जो सॉइल लें वो न्यूट्रल, इसको पसंद है पीएच, तो उसके लिए आप ले सकते हैं वेल ड्रेनिंग सॉइल और नाइट्रोजन रिच हो। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं एक पार्ट सैंड, एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट लीफ मोल्ड और एक पार्ट कंपोस्ट। कंपोस्ट में मैं काउडंग मैन्योर लेती हूँ। तो इसमें नाइट्रोजन इसको दो चीज़ों से मिलेगा, काउडंग मैन्योर और लीफ मोल्ड से, साथ में नीम खली, बोन मील और फंगिसाइड। और इससे बहुत वेल ड्रेनिंग सॉइल बनेगी, पानी रुकना नहीं चाहिए, मगर मॉइस्चर हमेशा मिट्टी में बहुत अच्छा बना रहे, क्योंकि ये मॉइस्चर रिच सॉइल लाइक करता है। एकदम ड्राई सॉइल रखने से इसकी लीव्स इतनी हेल्दी नहीं रहती हैं। इसमें मॉस्टिक लगा सकते हैं, सिंपल मॉस्टिक जो बाज़ार में मिलती है, जैसे आप मनी प्लांट ग्रो करते हैं ऐसे ही इसको जूट थ्रेड से बांध के, मैंने भी जूट थ्रेड से बांधा हुआ है, जूट थ्रेड से बांध के आप इसको ग्रो कर सकते हैं अटैच करके। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका आप लोकेशन कहाँ रखेंगे। डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, शेड में रखें। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी लीव्स थोड़ी कई बार ड्राई हो जाती हैं टिप्स से, अगर शेड में रहेगा तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी वाटरिंग। इसकी वाटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें ह्यूमिडिटी लाइक करता है, तभी रेनी सीजन में जहाँ पर बारिशें होती हैं उस इलाके में बहुत अच्छे से होता है। तो इसको आप कुछ फर्टिलाइज़र डाल के इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं और साथ में ह्यूमिडिटी भी दे सकते हैं। ह्यूमिडिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मॉस्टिक भी गीली करें ताकि मॉस्टिक से भी कुछ मॉइस्चर ये लेता रहे। टॉप सॉइल ड्राई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का गर्मियों में इसमें थोड़ा मॉइस्चर बना के रखें, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। अब इसका फर्टिलाइज़र देखते हैं हम लोग। इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है, तो मैं लेके आई हूँ नीम खली। नीम खली बहुत अच्छा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है जो ये प्लांट लाइक करता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग लेंगे करीब 2-3 टीस्पून लिया है और इसको हम लोग साइड साइड में डालेंगे, एकदम साइड में, बस 3
टीस्पून बहुत है, और ये डालने के बाद बहुत ज़रूरी है इसमें आप वाटरिंग करें, और कोशिश करें कि फर्टिलाइज़र डालें मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग में। फोलियर स्प्रे के लिए आप अपना बायो एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच सीवीड एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स डालना है आधे लीटर पानी में, और ये आप स्प्रे कर सकते हैं। ये केमिकल फॉर्मूला नहीं है, ऑर्गेनिक है, और ये खाने के काम आता है, तो कोई भी इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र एकदम इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास फोलियर स्प्रे नहीं है कोई भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली पानी से भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपके पास बायो एंजाइम है तो वो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर और भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।